अपने बाबा से मिल भी सकूंगी या नहीं? मिल सकोगी, जरूर मिल सकोगी। मगर अम्मी नहीं चाहती मैं उनसे मिलूं। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक चाह रही हैं। उनका रवैया, उनका सलूक कितना बुरा रहा है तुम्हारी अम्मी के साथ। वो नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। मगर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैं तो बेटी हूँ उनकी। बात तो तुम्हारी ठीक है, बेटियों के मामले में बाप के दिल बहुत बड़े होते हैं। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, बेटियां तो बाप के लिए शहजादियां होती हैं। मैं जानती हूँ, मेरे बाबा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक बेटी होने के नाते तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ मैं, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तड़प। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जितनी भी मिन्नतें क्यों ना कर लो इन सब की, डैड की, बासित की, कोई भी तुम्हें तुम्हारे अब्बू से नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं मिलवा सकती हूँ। सच? बिल्कुल सच। तुम हाँ कहोगी और मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी, ये समझ रही हो? क्या मतलब? तुम शायद भूल गई हो कि पहले दिन से अब तक तुमने मेरे साथ क्या क्या सलूक किया है, मगर मैं नहीं भूली। तो तुम डर रही हो? सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जब कोई नहीं मिलवाना चाहता तो तुम क्यों मेरी हेल्प करोगी? कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो। आज तक मैंने तुम्हारे लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ये सोच के तुमसे हमदर्दी हो रही थी कि अगर तुम्हारे अब्बू यहाँ आए तो डैड उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। बस इसीलिए मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं मिलवा देती हूँ, वरना कसम ले लो मेरा कोई प्लान नहीं है सबके पीछे। हाँ, अबू कह रहे थे कि अगर वो अब आए तो बहुत बुरा असर करेंगे उनका। बस इसीलिए मैंने भी तुम्हें कह दिया कि मैं मिलवा दूंगी। बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती हो। क्या तुम जानती हो कि मेरे बाबा कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं ज़रूर पता करवा लेती अगर तुम हाँ करती तो। लेकिन अब जब तुम मिलना नहीं चाहती तो हम दोबारा इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, वरना डैड मेरी इन्वॉल्वमेंट। एनीवेज, तुम आराम करो।